नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओला लर्नर्स। आज हम करने वाले हैं दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर जुलाई लिखा हुआ है, ये गलत है। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है साइंस कंटेंट एंड पेडागोजी का पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा। साइंस के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे 2011 से लेकर 2019 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब न्यू क्या आने वाला है वो आप एक मिनट सुन लीजिएगा। न्यू अब आपके पास आपको मिलने वाला है मैथ्स एंड साइंस का कंप्लीट कंटेंट। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस का कंप्लीट कंटेंट रहेगा। इसमें कंटेंट के साथ साथ आपको पेडागोजी भी मिलेगी, मैथ्स की भी एंड साइंस की भी। ठीक है बात, तो मैथ्स एंड साइंस मीन्स कंप्लीट मिलने वाला है। सीटेट का अभी शायद डेट आ रही है कि नवंबर में हो सकता है आपका सीटेट एग्ज़ाम। तो जब तक हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, आपको मैथ्स एंड साइंस का जितना भी पोर्शन आएगा उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। चलिए तो वीडियो को फिर शुरू करते हैं, और भी कुछ नया रहेगा तो मैं आपको वीडियो के बीच में बताता रहूँगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसा रसायन एसिड है जिससे आपको एसिडिटी हो रही है, और वाई एक आपका बेस होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो यदि ज़्यादा मात्रा में एक्सेस क्वान्टिटी में यदि रिलीज़ हो जाता है तो उससे एसिडिटी हो जाती है, और जिसके उपचार के लिए या फिर जिसको दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो MgOH का होल ट्वाइस। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? बैक्टीरिया और जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता ये बताना है। दही बनाने में होता है, डबल रोटी पकाने में आपका ईस्ट का प्रयोग होता है, और ईस्ट एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। गन्ने में रस के कड़वन में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन, इरोजन एंड कंजर्वेशन। यदि हम बात करते हैं संरक्षण की तो इसका मतलब है किसी चीज़ को बचाना। बाकी ये आपके किसी चीज़ का दोहन हो रहा है, जैसे कि वृक्षों का हो रहा है जिससे वनोन्मूलन से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, अपरदन कर रहा है। मतलब ये बोल सकते हो ये प्राकृतिक समस्याएं हैं, ये उन समस्याओं का निवारण है। क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात भी सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। लेकिन क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि क्रिस्टलीकरण में आप क्या करते हो, जैसे कि आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में आपका क्या था, इस बीकर में आपका CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। आपने एक मेथड के थ्रू यहाँ से क्या करा, कॉपर सल्फेट के क्या निकाले, क्रिस्टल फाइंड कर लिए। ठीक है, तो कोई न्यू सब्सटेंस बना क्या? पहले भी कॉपर सल्फेट था, अब भी कॉपर सल्फेट है। तो ये कौन सा चेंज होगा? ये आपका फिजिकल चेंज होगा। ठीक है बात, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपका फिजिकल चेंज रहने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। कणों के साइज़ के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? कणों के साइज़ के अनुसार यानी सबसे बड़े कण किसके रहेंगे? तो चट्टान के रहेंगे, यानी कि या तो फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। तो चट्टान के बाद हमारी बजरी, रेत, गाद और सबसे लास्ट में आती है मृत्तिका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। मछली में क्लोम का कार्य क्या होता है, यानी फिश में गिल्स क्या काम करते हैं? तो कई बार हम जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक कर देंगे, लेकिन फर्स्ट आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि वो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता, वो जल में उपस्थित विलय ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को अवशोषित करेगा। क्वेश्चन नंबर 67। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? कागज़ का नहीं करेंगे, रबड़ का नहीं करेंगे, लकड़ी का नहीं करेंगे, ब्लेड का कर सकते हैं। वैसे इसका लिखा होना चाहिए था आयरन ब्लेड, लेकिन यहाँ पर ब्लेड का मतलब वही ब्लेड है जो कि आपकी आयरन की बनी हुई होती है। तो आयरन ब्लेड का आप यूज़ कर सकते हो। 67 है। मंजुला दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, यदि उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है तो और वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, तब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? आपको एक बात याद रखना है कि मान लो ये कोई एक गर्ल है जिसका नाम यहाँ पर मंजुला दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि 5 मीटर है, तो यदि मैं इसकी इमेज की बात करूँ तो इसकी इमेज भी यहाँ पर 5 मीटर पर ही बनने वाली है। ठीक है, यदि 1 मीटर आगे आ जाएगी ये एक मीटर आगे आ जाएगी तो अब डिस्टेंस कितनी बचेगी, 4 बचेगी। तो ये भी 1 मीटर आगे आ जाएगी, 1 मीटर आगे आ जाएगी तो ये डिस्टेंस अब कितनी बनने वाली है, 4 बचने वाली है। यदि हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस 8 मीटर बचेगी ना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अभी कितनी बची, 8 मीटर बची। 8 मीटर यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट जितना आगे जाएगा उतना ही इमेज आगे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है तो सही कथन को चुनना है। आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है 30 एंड टाइम गिवन है 3। हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जो कि होती है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी, 10 हर्ट्ज आ गई। फ्रीक्वेंसी होने के बाद आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो जो कि 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, यानी 1/10 0.1 सेकेंड। तो आप ये देख लो टाइम पीरियड 0.1 किस में है, टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड वाले में है, और फ्रीक्वेंसी 10 किस में है, फ्रीक्वेंसी 10 भी सेकेंड वाले में है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। गलत कथन पहचानिए, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि के लिए किया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जाता, कम करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर रखे 2 संपर्क पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समाप्त नहीं किया जाता, बिल्कुल बात सही है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। मान लो कि एक आपका सिलेंड्रिकल कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट आपका कुछ रेक्टेंगुलर है, तो इसमें जो फ्रैक्शन रहेगा वो लेस रहेगा और इसमें फ्रैक्शन हाई रहेगा। इसको मूव करने के लिए आपको हाई प्रेशर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसको मूव करने के लिए आपको लो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। किसी तरल में गति करते पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, यह बात भी सही है। यदि हम किसी लिक्विड में इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसी लिक्विड में यदि हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को कुछ इस डायरेक्शन में मूव कराएं तो हमें कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक एरोप्लेन का एग्जांपल ले सकते हो कि कुछ एरोप्लेन इस टाइप के बने हुए होते हैं, ये कुछ इस टाइप के आपके एरोप्लेन बने हुए होते हैं। ये एरोप्लेन का ये साइज़ क्या करता है, जो एयर होती है वो इस तरह से यहाँ पर पास हो जाती है और इनको कम फोर्स लगाना पड़ता है मूव करने के लिए। तो ये हमारा एक एरोप्लेन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देगा, नहीं कर पाएगा। जिंक सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, बिल्कुल सही बात है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता, नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट रहेगा। अब ये पता कैसे चलेगा कौन विस्थापित कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, तो ये एक रिएक्टिव सीरीज़ है जो आपको याद कर लेना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक भी है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। यदि आपको हिंदी में कोई अच्छी सी ट्रिक मिलती है आप हिंदी में भी याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल में आ गया, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ में जो ऊपर है वो नीचे वाले को रिफ्रेश कर इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आयरन है, यदि मैंने यहाँ पर आयरन सल्फेट ले लिया, आयरन सल्फेट की रिएक्शन में जिंक से करा रहा हूँ, तो जिंक इसको रिप्लेस करके क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। लेकिन यदि मैंने ZnSO4 ले लिया और इसकी रिएक्शन में आयरन से करा रहा हूँ तो जिंक ऊपर आ गया आयरन नीचे, यानी आयरन कम रिएक्टिव है तो आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है, लॉजिक नहीं बोलेंगे, ये एक रूल है, फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए कभी नहीं कर सकते। कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर इतना कम नहीं होता। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर रहेगा उसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 या फिर 100, आई थिंक 110 ही होता है, डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो आपका ओनली 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही बताएगा। तो इसकी रेंज ज़्यादा है और इसकी रेंज आपकी कम है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, गलत कथन को पहचानना है। केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। बायोगैस का कैलोरी मान LPG के कैलोरी मान से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि बायोगैस का कैलोरी मान कम होता है। CNG का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, यानी कि ये गलत है इसलिए ये सही है। 74 है पर 74 कोई बस अपनी यात्रा पहले 12 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो कुल दूरी बताना है आपको, कुल डिस्टेंस उसने कितनी कवर्ड की। ठीक है, फर्स्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट स्पीड है मेरे पास 50 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है, टाइम को यदि मैं आवर में कंप्लीट कर लेता हूँ तो ये आ जाता है आपका 12/60 आवर। और यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। 12 से गया ये 5 टाइम, 5 से ये जाएगा 10 टाइम, तो ये आ गया आपका 10 किलोमीटर। सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड में स्पीड है मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो है 18 मिनट्स। 18 मिनट्स को यदि मैं आवर में कंप्लीट करता हूँ तो 80/60 हो जाएगा। और यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, कैंसिल कर देते हैं इसको, 0 से आपका 0 चला जाएगा, 2 से ये 2 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, 3 से इसको कैंसिल करूँगा 9 टाइम, एंड 9 और 2 हो जाएगा मेरा 9×2 हो जाएगा 18। ठीक है बात, तो थ्री से कैंसिल करूँगा, 3 से हो जाएगा ये 6 टाइम एंड 6×2 = 12, तो ये आ गया मेरा 12 किलोमीटर। एक डिस्टेंस 12 किलोमीटर, सेकंड डिस्टेंस 10 किलोमीटर, दोनों को जस्ट ऐड करना है, 10 + 12 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। निम्नलिखित में से गलत स्टेटमेंट को चूज़ करना है। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति आवर्ती गति है, पृथ्वी की गति सरल रेखीय है, सितार के कर्षित तार की दोलनी गति होती है, सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुलाकार होती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लाइट की बात करें तो लाइट हमेशा सर्कुलर मार्ग में ही जाएगा। अर्थ की यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि ये आपका हो गया सन और यहाँ पर हो गया अर्थ, तो ये जो इसका मोशन होता है वो ये अपनी यदि एक्सिस पर रोटेट करेगी तो ये आपका आवर्ती गति कहलाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर घूमती रहती है। और सितार का जो कर्षित होता है, मान लो यहाँ पर मैं एक सितार बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर तार लगा हुआ होता है और यदि हम इस स्ट्रिंग को हिलाते हैं तो ये दोलनी गति करते हैं, यानी ऑक्सीलेट करेंगे एक ही जगह पर। लेकिन सभी आवर्ती गति वर्तुलाकार हों ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन असत्य हैं। प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल सही बात, वास्तविक नहीं होता, पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के आकार का होता है, ये भी सही है। तो ACD यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान सीखने का अंतःविषयक है, बिल्कुल सही बात है, हमेशा अस्थायी होता है, यानी कि चेंज होता रहता है, इस तरह से लेके चलो, सही है। संदेह भाग को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 एक रॉन्ग है कि तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य नहीं है, कि ओनली सेट ऑफ फैक्ट्स ही नहीं है, इसके अलावा भी विज्ञान एक बहुत कुछ है। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षकों के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, वातावरण के प्रतिनिष्ठ या कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑब्वियसली राइट आंसर रहेगा। कोई भी बुक हो तो इस तरह से होना चाहिए कि चाइल्ड के लिए वो ट्रू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में कौन सी वैधता की संतुष्टि और क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होगा। देखो, किस संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होगा। क्रियाकलाप और प्रयोग की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखो आप, एक प्रोसेस जो है या जो प्रक्रियात्मक है वही इसको संतुष्टि प्रदान कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती, इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त हो सकता है। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, सही बात है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ाता है, ये बात भी सही है। अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, ये बात भी सही है। लेह को तोड़ता है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा का पोषण करना, ये तो रखना ही है। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता मूल्यों का विकास, ये भी होना चाहिए। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, ये भी होना चाहिए। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, तो रोट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टाफिकेशन हो गया, उस पर बल नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना। समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा बढ़ावा देगा, तो बच्चों के समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में चर्चा करने के लिए कहना। तो ये क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को करेगा, बच्चे अपने अपने जो थॉट्स प्रोसेस है मीन्स अपने अपने थॉट्स से सामने रखेंगे और इससे कुछ ना कुछ नया निकाल के लेकर आएंगे। तो ये एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्रदर्शन करना मतलब प्रदर्शन करने टाइम पे क्या होगा, प्रदर्शन करने के लिए इसका अनुप्रयोग करना यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रिएटिंग। रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करना मतलब वो ज्ञान का सृजन कर रहा है बच्चों में, ताकि बच्चे ही उसे समझें कि हाँ कि इसका टेस्ट किस तरह से किया जाता है या फिर इसमें कैसे पता चलेगा क्या रिजल्ट आएगा, जिससे कि हमें पता चले ये मंड है यानी कि स्टार्च। जैसा कि आपको पता है कि हम इस पर आयोडीन का सॉल्यूशन ही कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो उसका कलर ब्लैक ब्लू टाइप का हो जाता है, तो ज्ञान का सृजन करना ही बोलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 84 आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर देखते ही पता चल रहा है, व्याख्या सुनाने से कभी भी सही अधिगम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जा सकता है। अवधारणात्मक मानचित्र से लगाया जा सकता है, वर्णन अभिलेख से भी, पोर्टफोलियो से भी, लेकिन संत्र अंत अधिगम परीक्षण से नहीं लगाया सकता कि कहाँ पर कमी। इससे तो फिर एक आप रिजल्ट बना के दे दोगे कि भाई आपका ये रिजल्ट रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर वर्णन अभिलेख। कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित, अवलोकन पर आधारित ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वर्णन अभिलेख। वर्णन अभिलेख में आप बच्चों की दिनचर्या को देखते हो और उसका वर्णन फिर आप करते हो। क्वेश्चन नंबर 87 है, नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनना है। पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल सही बात है। ओंकारा जो होती है ना वो एक बकरी ही होती है, खरगोश जैसा कुछ नहीं होता। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में सहयोग होती है, सही बात है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त नहीं होती। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानना। लंबा मेरुदंड हो, बहुत सी मांसपेशियां हो, आगे धकेलने के लिए अनेक बल्ले में मुड़ा हुआ हो, तो ये आपका सर्प होता है। केंचुआ हो जाता है यदि इसमें लंबा मेरुदंड या बहुत सी मांसपेशियां नहीं होता, तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे क्योंकि सभी धमनियाँ यानी ऑल आर्टरीज ऐसा काम नहीं करती। जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी और बाकी स्टेटमेंट सही हैं। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं यानी इलास्टिक्स होती हैं, फूल सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं। ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सही मिलान कीजिएगा। एसिटिक अम्ल मिलेगा आपका सिरके में, लैक्टिक अम्ल मिलेगा आपका दही में, ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल मिलेगा नींबू वंश फल में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 5, सी का 2nd एंड डी का 3rd। इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब आपको मैथ्स एंड साइंस का कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है, तो वो कंप्लीट कंटेंट आपको जल्दी ही प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को आप बस लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।